हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज एक सेट लिया मैंने, पहला सेट है कॉमन एरर्स का। इसमें हमने 10 सेंटेंस लिए हैं और प्रत्येक सेंटेंस में हम ये देखेंगे एरर कहाँ पर है और उसका रूल क्या है। तो आज हम 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस है हमारा, द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर सिमिलर टू हिज हाउस। तो ऐसे ही चार पार्ट में वहाँ सेंटेंस आता है एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे चार पार्ट है, पहला पार्ट है द डेकोरेशन इन योर हाउस, दूसरा पार्ट है आर सिमिलर, तीसरा पार्ट है टू हिज हाउस और चौथा पार्ट है नो एरर। तो अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम नो एरर पे टिक करेंगे। अगर कहीं पे एरर है तो जिस पार्ट में एरर है उसे हम टिक करेंगे। तो अब इस सेंटेंस में देखते हैं एरर क्या है। इस सेंटेंस में एरर है कंपैरिजन की, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है वो सेम चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, ना कि अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है वहाँ एक के घर के डेकोरेशन से, द डेकोरेशंस इन योर हाउस, दूसरे के घर के साथ कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। डेकोरेशंस का कंपैरिजन डेकोरेशन से होगा, तो यहाँ पर ऐड किया जाएगा टू दैट ऑफ हिज हाउस, टू दैट ऑफ हिज हाउस। तो हो जाएगा सेंटेंस, अब सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर सिमिलर टू दैट ऑफ हिज हाउस। तो ये होगा, तो सेम कंपैरिजन की यहाँ प्रॉब्लम थी, तो कंपैरिजन जो है सेम चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि यहाँ डेकोरेशंस की कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा डेकोरेशंस के बारे में, तो दैट ऑफ हिज हाउस, यानी कि जो कि उसके घर की है डेकोरेशन उसके सिमिलर है। देखते हैं दूसरा सेंटेंस है, व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी, नो एरर। यहाँ जबकि यहाँ यूज हुआ है तीसरे पार्ट में ही, तो यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ वन होगा। तो इसमें प्रोनाउन की प्रॉब्लम थी और वन का प्रोनाउन वन होता है, इसीलिए यहाँ ही की जगह वन का यूज होगा। अब यह सेंटेंस सही है। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू सर्वे द इंटायर पोजिशन, नो एरर। तो इस सेंटेंस में देखते हैं एरर कहाँ पे है। यहाँ एक शब्द यूज हुआ है विद अ व्यू टू। ये जो होता है विद अ व्यू टू का जब यूज होता है तो विद अ व्यू टू रूल होता है विद अ व्यू टू प्लस वर्ब प्लस ing, यानी कि ing फॉर्म में वर्ब का यूज होता है। जब विद अ व्यू टू का यूज होता है तो इसके आगे ing के फॉर्म में वर्ब का यूज होता है, जबकि यहाँ केवल सर्वे लिख दिया गया है। यहाँ ing लगाना पड़ेगा, इसको ing फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या सर्वे नहीं होगा, सर्वेइंग होगा। क्या हो जाएगा, यस यू आर वी ई आई एन जी। अब यह सेंटेंस सही है। तो रूल होता है विद अ व्यू टू प्लस वर्ब प्लस ing का यूज होता है। नेक्स्ट एरर देखते हैं चौथा, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, नो एरर। तो इसमें देखते हैं किस पार्ट में गलती है। क्या गलती है, तीसरे पार्ट में वो है विटनेस की। विटनेस जो है गवाह होता है, लेकिन जो गवाह होता है वो जो गवाही देता है, तो इसे इविडेंस बोलते हैं, ना कि विटनेस। तो कभी भी विटनेस का यूज नहीं होता, इविडेंस का यूज होता है सबूत के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा इविडेंस, जब कोई सबूत देता है तो उसे इविडेंस बोलते हैं, या विटनेस की जगह इविडेंस का यूज हो जाएगा। अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस, नो एरर। तो चार पार्ट हैं। अब इसमें किस पार्ट में एरर है, यहाँ एरर है डबल नेगेटिव की, क्योंकि डबल नेगेटिव एक साथ कभी यूज नहीं होते हैं, और यहाँ पे यूज हुआ है विदाउट नो, विदाउट भी नेगेटिव वर्ड है और नो भी, तो ये हमें एक साथ यूज नहीं होंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, या तो विदाउट नो को हटा के एनी कर दें, तो विदाउट एनी प्रूफ ऑफ योर गिल्ट, अब ये सही है, या फिर विदाउट को पॉजिटिव करके नो रहने दें, तो तब कैसे होगा, विद नो कर सकते हैं, विद नो प्रूफ। तो इसमें से कोई एक करना पड़ेगा, यानी कि डबल नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज नहीं होते हैं, तो किसी एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नाइदर ऑफ देम आर गुड, नो एरर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे है नाइदर ऑफ होता है आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ,
ऐसे वर्ड होते हैं, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट, इनके साथ जो सब्जेक्ट लगता है वह भी प्लूरल होता है, और जो वर्ब लगती है, सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल होता है, और जबकि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर होती है। तो जब कभी इस रूप में आ जाए कोई भी सब्जेक्ट, वन ऑफ प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो इसी तरह यहाँ है नाइदर ऑफ, तो इसके बाद देम प्लूरल है, तो नाइदर ऑफ देम सही है, लेकिन वर्ब जो है हमें सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर इज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इरर थी इसी की, तो अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो इरर। तो यहाँ देखते हैं किस पार्ट में गलती है, यहाँ गलती दूसरे पार्ट में है, डिस्क्राइब्स और अबाउट दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि डिस्क्राइब खुद ही अपने आप में पूर्ण शब्द है। अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में, किसी चीज़ के बारे में, जबकि डिस्क्राइब्स का मतलब ये होता है कि वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, तो उसके साथ अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है, यह सुपरफ्लूअस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे, अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, नो इधर। तो इसमें कहाँ पे गलती है, इसमें गलती है तीसरे पार्ट में, यहाँ एनी नहीं एनी अदर होगा, एनी अदर क्यों होगा, कि बोस का कंपेरिजन जो है उसी की क्लास के अन्य छात्रों के साथ किया जा सकता है या जा रहा है, तो एनी अदर होगा। जबकि यह अगर एनी स्टूडेंट इन द क्लास लिख देंगे तो उसमें सभी आ जाएंगे, बोस खुद आ जाएगा, तो बोस का बोस के साथ कंपेरिजन तो किया नहीं जा रहा है, बोस का कंपेरिजन क्लास के अन्य छात्रों के साथ किया जा रहा है, इसीलिए लिखेंगे एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो बोस इज मोर पॉपुलर, बोस ज़्यादा पॉपुलर है किसी भी छात्र से, क्लास के अन्य किसी भी छात्र से, यह सही होगा। तो बोस इज मोर पॉपुलर दैन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ अदर ऐड करना पड़ेगा, इसी की एरर थी, तो अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द शिप हैड ड्रोन्ड बिफोर द रेस्क्यू पार्टी अराइव्ड, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो देखिए बिफोर का यूज हुआ है, तो बिफोर के साथ क्या होता है, बिफोर जब यूज होता है तो बिफोर के पहले का सेंटेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में होता है, और बाद का पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये तो सही है, ये पर पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ इरर कहाँ पे है, यहाँ इरर है यहाँ ड्रोन्ड में, ड्रोन्ड का यूज शिप के साथ हुआ है। तो देखिए जब डूबने के अर्थ में हम यूज करते हैं, तो जब सजीव चीज़ कोई डूबती है, सजीव चीज़ लाइव चीज़ डूबती है, तो उसके साथ ड्रोन का प्रयोग होता है, ड्रोन, ड्रोन शब्द होता है, लेकिन जब निर्जीव चीज़ कोई डूबती है तो उसके लिए सिंक का प्रयोग होता है, सिंक। तो यहाँ पर एक निर्जीव चीज़ सिप डूबा है, तो ड्रोन का प्रयोग नहीं होगा, सिंक का प्रयोग होगा, तो सिंक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी संक, अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट, नो इधर। तो इसमें कहाँ पे गलती है, इसमें यहाँ पे गलती हूँ, हूँ की जगह हुम होगा, क्यों, क्योंकि देखो दो रूल होते हैं, हूँ, हु प्लस आता है वर्ब, जब हु का यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब आती है, और जब हुम का यूज करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसके बाद आई, तो यहाँ पे हु नहीं हुम होगा, अगर वर्ब होता तो हु का यूज होता, तो इस चीज़ की एरर थी, या तो यहाँ हुम लगा देंगे, अब यह सेंटेंस सही है। तो आज हमने कॉमन एरर्स के इस टॉपिक पे 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अन्य वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो देखने के लिए धन्यवाद।